आदरणीय प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक, सारे गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। इस अवसर पर हम एक प्रातःकालीन सभा का आयोजन कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए आदित्य को स्वागत करती हूँ। हम भारतीयों के लिए अपना राष्ट्र प्राण के समान प्यारा है। प्रतिज्ञा के लिए मीनाक्षी को स्वागत करते हो। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हमें अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि पर ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संदेश देने के लिए आदरणीय प्रधान अध्यापक मधुसूदन नायर जी को स्वागत करते हो। सबको प्रणाम। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए 1949 सितंबर 14 को हिंदी हमारी राजभाषा के स्थान पर घोषित किया गया और इस दिवस को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी सरल और सुंदर भाषा है, पढ़ना आसान है। इसमें भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का स्वर निहित है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना हम भारतीय का कर्तव्य है। हिंदी पढ़ो और अपनाओ। जय हिंद, जय हिंद। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसकी घोषणा 14 सितंबर 1949 को किया गया। भाषण देने के लिए आर्द्रा को स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय,
माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको यह अवश्य रोचक लगेंगे। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाले भाषाओं से हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखकर हिंदी दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया। इसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाने की फैसला ली। हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि जन जन तक हिंदी को पहुंचाए और भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के सम्मान मिल पाए। धन्यवाद। आगे महत्वजन के प्रस्तुति के लिए गौरी दिबिन को स्वागत करते हो। नमस्कार महत्वजनों, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। महात्मा गांधी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानव को। श्री नारायण गुरु, थटोलो कोलेगा ईशा मसीहा, तुम मुझे कूद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले। धन्यवाद। हिंदी हम भारतवासियों के लिए अपने जीवन के समान प्यारा है। इस प्रातकालीन सभा में भाग लेने वाले सबको धन्यवाद। राष्ट्रगीत के लिए देविका को स्वागत करती हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल दिदरेंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाधा जनगण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय